गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने छुट्टियां तो बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो फिर चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने हिंदी की बुक तो परचेज कर ली होगी। ये हमारी हिंदी रीडर की किताब कोकिला और ये है हमारी हिंदी व्याकरण की किताब भाषा अधिगम एवं व्याकरण। तो आज हम व्याकरण का पाठ एक भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे, इसका ध्वनांतरण करवाएंगे। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचार ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम अपने मन के भाव को कैसे समझाएं और दूसरों के भाव को कैसे समझाएं, इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो बोलकर और एक लिखकर। हम दो प्रकार से भाषा को समझा सकते हैं, एक तो हम बोल के और एक लिखकर। जैसा मैं बोल रही हूँ, एक तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है और एक होता है लिखकर। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये भाषा का लिखित रूप होता है। इसी प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। इस रूप में हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। इसमें बात कही जाती है और उसे सुनकर समझा जाता है। जैसे उदाहरण है टेलीविजन, टेलीफोन आदि भाषा का मौखिक रूप है। जैसे मौखिक भाषा में कि हम बोल का प्रयोग करते हैं, जैसे टेलीविजन है तो हम लोग न्यूज सुनते हैं, आप लोग कार्टून देखते हो, तो उसमें सिर्फ आवाज तो आती है, तो वो बोलकर मतलब वो भाषा का मौखिक रूप हुआ। और टेलीफोन, टेलीफोन में भी हम किसी की आवाज सुनते हैं, हम आवाज तो सुन सकते हैं, कुछ लिख थोड़ सकते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। इसी प्रकार भाषा का लिखित भाषा का दूसरा रूप है लिखित मौखिक लिखित भाषा। हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को पढ़कर भी समझ सकते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र आदि सभी भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ तो पढ़ते हैं हम, और पुस्तक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, किताब, सबके पास किताबें हैं ना अभी, वो सब भाषा का लिखित रूप है।